अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे मैं पूछ रहा हूँ, बताइए ना कि किसके पति की बात हो रही है और ये है कौन? बेटा ये डॉक्टर है, डॉक्टर राधिका। वो सुजाता के पति की बात कर रही थी, यानी कि मेरी। ये क्या हो गया आपको? मेरा ध्यान कैसे नहीं गया? आप व्हीलचेयर में क्यों हैं? क्या हो गया? बेटा वो मेरा एक्सीडेंट हो गया था ना, गलती से कोई नुकीली चीज सीने के पास लग गई थी। इतनी बड़ी बात हो गई तो किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है? बेटा तू भी एक्सीडेंट में था ना, तेरे सर पर चोट लगी थी और तू 3-4 दिन बेहोश हो गया था। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? लेकिन बेटा अब तो सब ठीक है ना, तू भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, खुद तो भला हो डॉक्टर राधिका का, इसने हम दोनों को ठीक कर दिया। आप डॉक्टर हैं? मुझे सॉरी, लेकिन कैसी डॉक्टर हैं आप? खुद इतनी अनफिट हैं, इतनी हट्टी कट्टी हैं। आपको देखकर लगता है कि आपका खुद का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा। आप मेरे पापा को फिट कैसे रखेंगे? जी वो हमारी शारीरिक बनावट ऐसी है, बाकी हम अंदर से पूरी तरीके से फिट हैं। रियली? आपकी शारीरिक बनावट और ड्रेसिंग सेंस तो कुछ और ही कह रहे। और सच कहूं तो आपका ड्रेसिंग सेंस और ये हुलिया देखकर तो ऐसा लगता है कि आप डॉक्टर नहीं, किसी हिंदी टीवी सीरियल की प्रताड़ित बहू लगती। एनीवे, पापा ये डॉक्टर हैं तो क्या ये हमारे साथ रहने वाले हैं? नहीं नहीं मुन्ना वो। हाँ बेटा, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता डॉक्टर राधिका कुछ दिन यहीं रुकेगी। ठीक है कोई बात नहीं, इन्हें सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि बिना मुझसे पूछे मेरे रूम में ना आए। इतना दुख तो हमें काया की बातों से भी नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। तिफिन जी एक पल में हमारे लिए अजनबी हो गए। जी हम इस बात का ख्याल रखेंगे। बोलो भैया चलिए ना कहीं घूमने चलते हैं। हाँ हाँ हम भी चलते हैं। अब ये मोहतरमा कौन है, इनके बारे में तो मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। जी हम नौकरानी। नौकरानी? इस घर की नौकरानी? हाँ हाँ मुन्ना, ये बेचारी माँ बनने वाली है और इसका पति इसे छोड़कर चला गया है। दुलारी भी छुट्टी पर है तो हमने इसे आसरा दे दिया है। इतनी मुश्किल से तो हमने अपना प्रमोशन कराया था, उसके लिए माँ तक बन रहे, फिर भी ये नौकरानी की पदवी हमरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। ठीक है कूल, मेरे लिए कॉफी बना देना लेकिन शक्कर मत डालना। बोलो भैया चले ना प्लीज घूमने चलते हैं, मुझे बहुत ही घुटन सी हो रही है। एक काम करना, वो कॉफी में आके पी। हाँ हाँ चल चल आजा। आपने राधिका को यहाँ क्यों रखा? क्या आप सबने उसे माफ कर दिया है? राधिका ये मत समझना कि हमने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन ये भी सच है कि तुम उसकी पत्नी हो। हो सकता है तुम उसकी नजरों के सामने रहो तो उसे कुछ याद आ जाए, लेकिन तुम्हारे कारण देवियों को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसे बिल्कुल ही भनक नहीं लगनी चाहिए कि तुम उसकी पत्नी हो। और अगर खुद से याद आए तो बात और है। थैंक यू पापा जी, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। सुजाता दिव्यम घूमने जा रहा है, उसके आने से पहले कमरे में किसी भी चीज पर राधिका का निशान और उसकी पहचान नहीं होनी चाहिए। हाँ राधिका, फौरन दिव्यम के कमरे में जाओ और अपना सारा सामान निकाल कर बाहर करो।
अभी तो आधी अधूरी याददाश्त गई है, कहीं स्ट्रेस की वजह से पूरी याददाश्त ना चली जाए। हर पल था जो हंसाता वो रुला के गया, वादा किया था जो भी सब भुला के गया। सजना 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 कितना अच्छा होता मिले ही न होते, टूटता वफा थी पहले जो इसको समझ पाते, हुई क्या खता मिली सजा है, इतना तो हमको बता जाते। ऐसे कैसे तुम बदल गए मेरी मुट्ठी से। सूर्या तो प्रभु श्री राम और माता सीता की किस्मत में भी लिखी थी, लेकिन लाखों दूरियां होने के बावजूद दोनों का प्यार कभी कम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तो हमारे राम ही हमें भूल गए, तो प्यार तो बहुत दूर की बात। पता नहीं हमारे रिश्ते का क्या होगा। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।